प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छः सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी हमारा आवास का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पाठ सौर मंडल में पृथ्वी। पहला पाठ सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी का क्या महत्व है, पृथ्वी क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कई पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल आपने पहले पढ़ा होगा, सुना होगा। उत्तर है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुल अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार कहते हैं। सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अरे बच्चों, इस सौर मंडल की परिभाषा है। दूसरा पॉइंट है, इसमें सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। सूर्य से अर्थात सूर्य से ग्रह कितने दूरी पर कौन है, किस क्र इसको क्रम में लिखना है। जैसे पहला, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जानते हैं आप, सूर्य की दूरी के हिसाब अनुसार लिखना है। पहला है बुध, आपको पता होगा सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध होता है। इसके बाद उससे दूरी शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, अब जानते हैं जिस पर हम वास करते हैं। इसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। अरे बच्चा, आपको पता होगा सूर्य का सबसे पास का ग्रह बुध होता है और सूर्य के सबसे दूरी का ग्रह नेपच्यून होता है। आपको पता हो गया होगा, याद हो गया होगा। तीसरा पॉइंट इसमें है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह और तारे में अंतर लिखना है। उत्तर, ग्रह और तारे में अंतर दीजिए। इस पे हमने बनाया है चार्ट, ग्रह और तारे का दो कलम बनाया है। इसमें पहला है, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। तारे में, तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा दोनों होती है। अगला पॉइंट इसमें है, ग्रह में, ग्रह सामान्य तारे से छोटा होता है और तारे में सामान्य रूप से तारे ग्रह से काफी बड़ा होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अरे बच्चों, जिस पर हम रहते हैं, आपको पता है पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, इस पर हम वास करते हैं। निम्न प्रकार है उत्तर। पहला है, इसमें जीवन के अनुकूल
परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब जानते हैं हमारे जीवन के लिए जल कितने आवश्यक है, वो हमें पृथ्वी पर ही संभवतः अभी प्राप्त हुआ है। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। आपको पता होगा, आप जानते होंगे, हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन गैस, हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस कितनी महत्वपूर्ण है। वह गैस पृथ्वी पर ही पाई गई है, इस वजह से हम पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं, आप जानते हैं। इसमें अगला पॉइंट है पांचवा, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। पांचवा पॉइंट है कि हम चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। इसका उत्तर है, चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। 27 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरी करती है। वह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार वह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। अर्थात जितना समय चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने में लेता है, उतना ही समय चंद्रमा अपने धुरी पर घूमने में भी चक्कर अपने धुरी को में घूमने में अर्थात अपने धुरी को पूरा करने में भी समय लेती है, अर्थात 27 दिन। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है छठा, ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड बारे में आप जानेंगे, ब्रह्मांड पूरा सब कुछ आता है, आकाश तारे सब कुछ, पृथ्वी पर आकाश से लेकर के सब कुछ बना करके एक ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। इसी हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। जानते हैं ब्रह्मांड की परिभाषा है, इसको आप लोग ध्यान से याद करिएगा, पढ़िएगा। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, उत्तर बताना है एक एक शब्दों में। पहला पॉइंट है, किस ग्रह को पृथ्वी, दूसरा प्रश्न का पहला पॉइंट, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। वह ग्रह है शुक्र, आप लोग को पता होगा, वह ग्रह शुक्र है। दूसरा पॉइंट है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे तीसरा नजदीक ग्रह कौन सा है, आपको पता होगा, अभी मैंने बताया पीछे ग्रहों को क्रम वाइज गेस करिए, वह ग्रह पृथ्वी है। अगला पॉइंट है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। अब जानते हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। इसमें चौथा प्रश्न पॉइंट है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे आपको पता है, ध्रुव तारे से हमें दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे से हमें गेस करिए किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। पांचवा प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं।
इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है मंगल एवं बृहस्पति। प्यारे बच्चों धन्यवाद, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।